नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं न्यू सी न्यू जॉब नोटिफिकेशन और अपडेट। सबसे पहले तो दोस्तों, इंडियन आर्मी की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट रैली निकाली गई है, उसका नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। तो जान लेते हैं किस राज्य के बारे में ये नोटिफिकेशन है, कि आपकी क्वालिफिकेशन रखी गई है और कौन कौन सी पोस्ट पर ये जो रैली है वो रहने वाली है। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी की तरफ से कोई भी जो नोटिफिकेशन आउट किया जाता है उसका अपडेट हमारे चैनल पे दिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा आप इसको कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो अब कैटेगरी यानी कि पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन सी पोस्ट पर आपकी भर्ती रहने वाली है। तो यहाँ पे टेक्निकल की रहने वाली है, नर्सिंग असिस्टेंट की, जीडी कांस्टेबल की रहने वाली है, क्लर्क की रहने वाली है, स्टीवर्ड की रहने वाली है, टेलर ड्रेसर, म्यूजिशियन की आपकी 10th पास रहने वाली है। उसके बाद अगर आपने आपकी 8th पास है तो आप हाउस कीपर और मैस कीपर में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब आपकी जो भर्ती है कब होने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो टेक्निकल की अगर आप भर्ती देखना चाहते हैं तो 15, 16, 17 और 18 नवंबर 2021 को आपकी भर्ती चलने वाली है। टेक्निकल के बारे में बात की जाए तो 10 से लेकर 20 नवंबर के बीच में आपकी भर्ती चलेगी। तो जो कैंडिडेट जीडी के बारे में, जीडी कांस्टेबल की भर्ती देखना चाहते हैं तो 21 से लेकर 25 नवंबर के बीच में आपकी भर्ती रहने वाली है। तो आप जो ट्रेडमैन की यहाँ पर वैकेंसी दो तरह की रहने वाली है, आपकी एक 10th पास रहेगी और 8th पास रहेगी। 10th पास वालों की जो कि 26, 27, 28 नवंबर को चलेगी और 8th पास वालों की 29 और 30 नवंबर को चलेगी। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स भी के प्रोसेस के बारे में भी इन्होंने बताया है। तो यहाँ पे सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स आपके चेक होंगे, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिर आपकी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद आपकी जो कि डबल चेक रजिस्ट्रेशन होती है आपकी, फिर उसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर आपके एडमिट कार्ड एंटर किए जाएंगे जो कि आउट किए जाएंगे, तो उसके बाद आपका कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम लास्ट में रहेगा और लास्ट में आपकी फाइनल लिस्ट आउट की जाएगी। अब आपको बता दें कि आपकी एज क्या रहेगी और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, आप अगर 17.5 से लेकर 23 साल के बीच में आपकी एज है तो आप अप्लाई कर पाएंगे 1 अक्टूबर 1998 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के बीच में। जो भी कैंडिडेट्स जिनकी डेट ऑफ बर्थ बिलोंग्स करती है वो अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी मतलब 12th में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए ओवरऑल में, और हर सब्जेक्ट में आपके 40% होने चाहिए। तो दोस्तों, कोविड के बारे में बात कर लीजिए तो यहाँ पे कोविड की कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दी गई है कि आप अपना फेस मास्क डाल के रखिए, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आप अपने आप को कवर करके रखिए, ग्लव्स वगैरह डाल के आइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ पे सेंड करने हैं। यहाँ पे 15 अक्टूबर से पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको ईमेल आईडी यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे मैं uhq2nd.non@gmail.com, तो यहाँ पे आपको सेंड करनी होगी। तो दोस्तों, अब आपको बता दें ये किस सेंटर का नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं AMC सेंटर का ये नोटिफिकेशन है कॉलेज, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लखनऊ में आपकी भर्ती चलने वाली है 15 से लेकर 30 नवंबर के बीच में। तो अगर आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि वहीं पर सबसे पहले नोटिफिकेशन अपलोड किए जाते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो चलिए यहाँ पर एंड करते हैं हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।